इस पे आ जाता है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है उसमें जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, ए जितना बड़ा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 4/3 πr³। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर है। यहां से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a^3 और इक्वल टू यहां पर लगेगा तो आर नॉट, यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा जिसकी वैल्यू है 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर। इसको फॉर्मुला रजिस्टर में प्लीज नोट कर लो, फॉर्मुला रजिस्टर में नोट कर लो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू नोट कर लो, ए एटॉमिक मास नंबर रेज टू पावर 1/3। ठीक है यहां तक। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी में ये बता रखा है कि न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी है। अब डेंसिटी होती क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास छोटा एम है, तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए न्यूक्लियॉन्स हैं, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है न्यूक्लियस का, 4/3 πr³, और आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो अगर मास ऑफ न्यूक्लियस को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ए से ए कैंसिल। फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर, वैसे बता दूं मैं, पर अगर आ जाए तो हम यहां से बना ही लेंगे, बात ही खत्म है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम से। ठीक,